मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनाधार जनता का विश्वास खो चुकी है। पिछले वर्षों में कांग्रेस ने आदिवासियों को केवल वोट बैंक ही समझा। केंद्र में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से आदिवासियों का लगातार विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री साय ने मध्य प्रदेश के मंडला स्थित सलवाह, बम्हनी और गोपालपुर में आम सभाओं को संबोधित किया। साय ने कहा कि पहले 5 साल में मोदी ने गरीबों के लिए काम किया, गरीबों को पक्का मकान देने का काम, गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम, गरीबों का खाता खोलने का काम किया। कांग्रेस के समय सरकारी पैसा लीकेज हो जाता था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकार करते हुए कहा था कि हम 1 रुपए दिल्ली से भेजते हैं तो जनता तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है, 85 पैसे का लीकेज हो जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सबका जनधन खाता खुलवाया ताकि 100% पैसा जनता तक पहुंचे। सीएम साय ने कहा कि हमारी माताओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर देने का काम किया। आज इसका नाम सभी जानते हैं। पहला 5 साल में गरीबों का खूब काम हुआ और जब दूसरा लोकसभा चुनाव आया तब जनता ने उनको खूब आशीर्वाद दिया। पहला 5 साल उन्होंने जनता का विश्वास बटोरा और दूसरे कार्यकाल में बड़े बड़े निर्णय लिए। मुख्यमंत्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक हटाने जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाया है।